तो कहानी शुरू होती है प्रेजेंट के टाइम से, जब न्यूयॉर्क ने जंग लड़ने के बाद थॉर लॉकी को एसगार्ड लेकर आता है, जहां उसे महाराज ओडिन के सामने पेश किया जाता है जो थॉर के पिता हैं और लोकी के सौतेले पिता, क्योंकि जब लोकी बच्चा था तो महाराज ने उसे गोद लिया था और साथ में रखकर पाला भी था। दोस्तों ये सब मैंने ऑलरेडी हॉर मूवी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इधर जब लोकी बड़ा होता है तो वो एसगार्ड का राजा बनने के लिए हर समय कुछ न कुछ हरकतें करता रहता था, जिससे कई लोगों की जान भी चली गई थी। इसलिए महाराज ओडिन लोकी को मृत्यु दंड देना चाहते थे, पर वो अपनी वाइफ फ्लीगा की वजह से उम्र भर कैद खाने में ही डालने का आदेश देते हैं, क्योंकि फ्लीगा लोकी की सौतेली माँ जरूर थी पर वो लोकी को अपने सगे बेटे जैसे ही मानती थी। आगे नौ रियासतों में से एक वेनाहाइम में फिलहाल एक जंग चल रही थी और थॉर के लोग सभी से निपटने में लगे थे। कुछ देर बाद वहाँ पर थॉर भी आकर लड़ना शुरू कर देता है और मिन विलियन को मारकर जंग को जल्द ही खत्म भी कर देता है। इसके बाद थॉर नौ रियासतों में शांति कायम कर वापस से एसगार्ड भी आ जाता है। एसगार्ड आते ही जब थॉर पिता ओडिन से मिलता है तो वो लोगों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। यहाँ पर थॉर को देखकर ओडिन भी समझ जाते हैं थॉर परेशान लग रहा है, क्योंकि बाइफ्रोस्ट पुल तवाफ हो जाने के बाद थॉर अपनी माशुका जेन फोस्टर से नहीं मिला था। इसलिए अब ओडिन थॉर से जेन फोस्टर को भूल जाने बोलते हैं और एसगार्ड के ही एक लेडी सिफ से शादी कर लेने बोलते हैं और अपनी लाइफ को जैसा चाहे एंजॉय करने बोलते हैं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था थॉर राजगद्दी संभालने के योग बन चुका था। पर थॉर कुछ भी जवाब नहीं देता और वहीं के पार्टी में शामिल हो जाता है। आगे लंदन में देखते हैं, जहाँ जेन फोस्टर रिचर्ड नाम के लड़के के साथ डेट पर आई हुई थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो बात क्या करे, क्योंकि थॉर के जाने के बाद वो भी परेशान रहने लगी थी। कुछ देर बाद वहाँ पर जेन की फ्रेंड डार्सी भी आती है और जेन को उसके साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को दिखाती है, जिसमें फिर से किसी तरह की रीडिंग आ रही थी, पर जेन उसे इग्नोर कर डार्सी को वहाँ से चले जाने बोलती है। लेकिन डार्सी के जाने के बाद जेन अब भी उसे इक्विपमेंट्स के रीडिंग के बारे में सोच रही थी, क्योंकि पहली बार वैसी रीडिंग तब हुई थी जब थॉर आया था। इसलिए जेन को भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी जेन को परेशान देखकर रिचर्ड भी उसे डार्सी के साथ चले जाने बोलता है। इसलिए अब जेन भी रिचर्ड को सॉरी बोलकर डार्सी के पास चली जाती है, जो जेन के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था जेन यहाँ पर जरूर आएगी। इसके बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में ही जाते वक्त जेन की मुलाकात यान से भी होती है, जो डार्सी का जूनियर था। थोड़ी देर बाद अब जेन अपने अंकल एरिक को फोन करती है और उनकी लोकेशन जानने की कोशिश करती है, पर दूसरी तरफ से एरिक कोई भी जवाब नहीं देते। तभी एरिक को दिखाया जाता है जो स्टोनहेंज पर सारे कपड़े उतारकर एक वैज्ञानिक उपकरण से वहाँ आए टूरिस्टों को परेशान कर रहे थे, ऐसा न्यूज में दिखाया जा रहा था। इसलिए वहाँ पर पुलिस आकर एरिक को गिरफ्तार कर लेकर चली जाती है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था एरिक पागल हो गए हैं, पर एरिक का कहना था वो टूरिस्टों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इधर जेन भी उसी जगह पर आती है जहाँ से रेडिंग आ रहे थे। जब तीनों उस जगह पर पहुँचते हैं तो वे लोग वहाँ पर कुछ बच्चों को देखते हैं जो वहीं पर छुपे हुए थे। इसके बाद वो बच्चे जेन को एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर एक बच्चा पूरे ट्रक को ही हाथ से हिला दे रहा था। बाद में पता चलता है वो पूरी ट्रक ही हवा में झूल रही थी। इसके बाद वो बच्चे तीनों को एक बिल्डिंग पर भी ले जाते हैं, जहाँ से कुछ भी नीचे फेंकने पर वो चीजें वापस ऊपर से आ जा रही थी। ये सब देखकर जेन भी हैरान हो जाती है, इसलिए अब वो एक केन को फेंकती है, पर वो केन वापस नहीं आती। तभी उसे बच्चों से पता चलता है कुछ चीजें वापस आती थी कुछ चीजें नहीं। इसके बाद जेन अपने इक्विपमेंट्स के रीडिंग को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर अचानक से एक जगह पर जोरों से हवाएं चलने लगती हैं और जेन को कहीं अंधेरी सी जगह पर अंदर की ओर खींच लिया जाता है। जब जेन इधर उधर देखती है तो वो किसी वीरान से दिखने वाली जगह पर पहुंच चुकी थी। तभी जेन की नज़र एक चीज पर जाती है जिसका नाम इथर है। जब जेन इथर के पास जाती है तो वो इथर पत्थर के नीचे से निकलकर जेन के शरीर में समा जाता है, जिस कारण जेन वहीं पर बेहोश भी हो जाती है। तभी देखते हैं मेलेकिथ नाम का एक शैतान जो हजारों सालों से सोया हुआ था वो इथर की एनर्जी को महसूस कर जाग जाता है, साथ ही वो बहुत सारे शैतानी शक्तियों को भी जगाना शुरू कर देता है। इधर एसगार्ड में जब थॉर हेमडेल से बात कर रहा होता है तो बातों बातों में जेन की बात निकलती है, तो थॉर भी जेन की हालचाल जानने के लिए हेमडेल से पूछता है, क्योंकि हेमडेल ब्रह्मांड के सारे चीजों को अपनी नजरों से देख सकता था। लेकिन जब हेमडेल जेन को देखने लगता है तो वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। इधर कुछ देर बाद जब जेन की आंख खुलती है तो वो वापस
उसी जगह पर आ चुकी थी जहाँ से वो गई थी, इसलिए अब जी जल्दी से बाहर आकर डार्सी से भी मिलती है। लेकिन तब तक वहाँ पर डार्सी पुलिस भी बुला चुकी थी, इसलिए अब जेन डार्सी पर गुस्सा होने लगती है, क्योंकि अब उसे लग रहा था उस जगह पर शील्ड के लोग भी आ जाएंगे जो अब किसी को भी वहाँ तक जाने नहीं देंगे। लेकिन डार्सी बोलती है उसे पुलिस को बुलाना पड़ा क्योंकि जेन पिछले 5 घंटों से गायब थी। ये सुनकर तो जेन भी हैरान हो जाती है। तभी वो देखती है उसके चारों तरफ बारिश हो रही थी मगर जेन के ऊपर बारिश नहीं हो रही थी। इसी दरमियान जेन की नज़र हॉर पर भी जाती है जो वहीं पर आया हुआ था, इसलिए अब जेन जाकर थॉर से भी मिलती है। इसके बाद वो थॉर से गुस्सा भी होने लगती है क्योंकि थॉर जेन को कहकर गया था वो वापस आएगा पर वो नहीं आया था। तो थॉर का भी कहना था वो नहीं आया क्योंकि पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई थी और साथ ही बाइफ्रोस्ट भी तबाह हो गया था जिस कारण वो एसगार्ड में ही फंस चुका था। कुछ देर बाद वहाँ पर डार्सी भी आकर बताती है कि वे लोग गिरफ्तार होने वाले हैं क्योंकि पुलिस का कहना था वे लोग सभी जिस जगह पर ठहरे थे वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। इसलिए जब पुलिस पूछताछ करने के लिए जेन को पकड़ कर ले जाने लगती है तभी एक तरह की एनर्जी जेन से निकल कर पुलिस वालों को दूर फेंक देती है। ये देख कर तो अब थॉर भी जेन को अपने साथ एसगार्ड लेकर चला जाता है। एसगार्ड आते ही वहाँ के लोग जेन का चेकअप करने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर ओडिन भी आ जाते हैं और थॉर पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उनका कहना था इंसानों का इलाज डॉक्टर करते हैं वे लोग नहीं। तो थॉर भी बोलता है जेन के अंदर कुछ ऐसा है जिसे वे लोग पहले कभी नहीं देखे थे। पर ओडिन नहीं मानते और अपने गार्ड्स को उसे वापस पृथ्वी पर भेजने बोलते हैं। लेकिन जब गार्ड्स जेन को पकड़ते हैं तो वे लोग भी जेन को छूते ही दूर फेंका जाते हैं। ओडिन जब ये देखते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता क्योंकि उन्हें पता चल गया था वो ईथर है जो जेन के अंदर खुद को बचा रहा था। इसके बाद ओडिन दोनों को एक जगह पर ले जाकर ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में भी बताते हैं कि माना जाता है रोशनी से पहले सिर्फ अंधकार हुआ करता था और इसी अंधकार से जन्मे थे अंधकार के शैतान डार्क एल्व्स। लेकिन हजारों साल पहले डार्क एल्व्स का सबसे क्रूर शैतान था मेलकिथ। वो फिर से पूरे ब्रह्मांड को अंधकार में बदलना चाह रहा था जिसके लिए उसने एक इथर नाम का अस्त्र भी बनाया था जो पत्थरों के आकार का था। लेकिन पूरे ब्रह्मांड को अंधकार में बदलना वो सिर्फ शक्तिशाली इथर से संभव था जो आकार बदल सकता था और बहुत ही लचीला भी था जो अनंत विनाश का सबसे प्राचीन अस्त्र भी था। और ठीक उस वक्त एसगार्ड के महाराज बोर थे जो ओडिन के पिता थे उन्होंने डार्क एल्व्स के लोगों के साथ बहुत ही घमासान जंग लड़ी। लेकिन जंग के दरमियान जब 9 रियासतें एक रेखा में आई तो मेलकिथ ब्रह्मांड में इथर को छोड़ने में कामयाब हो गया था। पर उसी वक्त एसगार्ड के महाराज बोर भी वहाँ पर आ गए थे और मेलकिथ से इथर को छीनकर वहाँ से चले गए थे। बिना इथर के डार्क एल्व्स के सारे लोग मारे जा रहे थे इसलिए अब मेलकिथ ने एसगार्ड के लोगों को मारने के लिए अपने ही लोगों की बलि दे दी और पराजित होकर अकेला ही वहाँ से चला गया। इधर महाराज बोर ने भी सभी को बता दिया कि इथर को तबाह कर दिया गया है पर महाराज बोर जानते थे इथर को तबाह नहीं किया जा सकता था इसलिए वो अपने लोगों को आदेश देते हैं उसे बहुत ही गहरा दफनाने का ताकि कभी भी कोई दोबारा उस अस्त्र को ढूंढ ना सके। ये सब सुनने के बाद जेन ओडिन से भी पूछती है क्या कोई उपाय है इथर को उसके शरीर से निकालने का, पर ओडिन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ मेलकिथ भी अपने एक आदमी के शरीर को जख्मी कर उसके शरीर में अस्टोन वाले इथर को छुपा देता है और एसगार्ड के कैदियों में शामिल हो जाने बोलता है इसलिए वो भी वैसा ही करता है। और जब थॉर के लोग सारे कैदियों को एसगार्ड लाते हैं तो साथ में वो भी शैतान कैदी बनकर एसगार्ड आ जाता है। उसके बाद सभी कैदियों के साथ उस शैतान को भी एक सेल में बंद कर दिया जाता है जहाँ लोकी भी एक अलग सेल में बंद था। आगे अब जेन थॉर से ही पूछती है उसे कैसे पता चला था कि जेन मुसीबत में है। तो थॉर भी बताता है वो हेमडल को नजर नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था वो पृथ्वी पर नहीं है इसलिए वो जेन को ढूंढते हुए पृथ्वी पर भी आ गया था। लेकिन जेन को समझ नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। तो थॉर भी जेन को समझाता है उसकी 9 रियासतें एक यंत्रा सेल में पृथ्वी के चक्कर लगाती है जैसे कि सारे ग्रह सूरज के और हर 5000 साल में एक बार सारी दुनियाएं एक रेखा में आती है जिसे ब्रह्मांड संगम बोला जाता है और उस समय सारे दुनियाओं की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। तो हो सकता है जेन वैसे ही किसी जगह पर चली गई होगी जिससे वो हेमडल को नजर नहीं आ रही थी। इसलिए जेन भी पूछती है अब उसका क्या होगा।
तो थॉर भी बोलता है वो कोई उपाय जरूर निकालेगा। बाद में वहाँ पर थॉर की माँ प्लेगा भी आ जाती है, तो थॉर भी जेन को प्लेगा से भी मिला देता है। इधर कैद खाने में उस शैतान को देखते हैं जो बंद था। वो अपने साथ लाए अस्टोन की मदद से अपनी शक्तियाँ बढ़ा लेता है और पूरे कैद खाने को ही तोड़कर वहाँ के गार्ड्स को भी मारने लगता है। बाद में वो सारे कैद खानों को भी तोड़कर सारे कैदियों को भी आजाद करने लगता है। लेकिन वो शैतान लोकी को आजाद नहीं करता, पर लोकी उसे जरूर एक खुफिया रास्ते के बारे में बता देता है जहाँ से वो आसानी से हमला कर सकता था। इधर ये बात थॉर को भी पता चल जाती है कि सारे कैदी कैद खाने से आजाद हो गए हैं, तो वो भी कैद खाने में आकर वहाँ के कैदियों से लड़ना शुरू कर देता है। इसी दरमियान एक शिप भी अदृश्य होकर एस्गार्ड की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हेमडल को वो शिप महसूस हो जाती है, इसलिए वो जल्दी से उस तक पहुंचकर शिप को भी तबाह कर देता है। मगर शिप के तबाह होते ही जब हेमडल पीछे देखता है तो पीछे से मेलेकेथ भी बहुत ही विशाल जहाज से आ चुका था, जिसमें से छोटे छोटे बहुत सारे जहाज निकलकर एस्गार्ड की तरफ जाने लगते हैं और पूरे एस्गार्ड में तबाही मचाने लगते हैं। ये देखकर तो अब हेमडल भी कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वो जल्दी से जाकर पूरे एस्गार्ड के महल में एक सुरक्षा कवच लगाना शुरू कर देता है। लेकिन वो जो शैतान ऑलरेडी एस्गार्ड में था वो पूरे सुरक्षा कवच को ही तोड़ देता है, जिस कारण मेलेकेथ का जहाज आसानी से महल में भी प्रवेश कर जाता है और तबाह करने लगता है। बाद में वो जहाज एस्गार्ड के महल में भी प्रवेश कर जाता है, जिससे बहुत सारे शैतान बाहर निकलते हैं और वहाँ के गार्ड्स को मारना शुरू कर देते हैं। बाद में वहाँ पर मेलेकेथ भी आकर एस्गार्ड के सिंहासन को ही बर्बाद कर देता है और फ्लीगा तक भी पहुँच जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था जेन फ्लीगा के पास ही छुपी हुई थी। इसलिए अब फ्लीगा मेलेकेथ को रोकने लगती है, पर नहीं रोक पाती क्योंकि वहाँ पर वो शैतान भी आ जाता है जो एस्गार्ड में छुपा हुआ था। बाद में जब मेलेकेथ जेन के पास जाता है तो पता चलता है वो जेन की छाया थी, इसलिए मेलेकेथ फ्लीगा से ही जेन के बारे में पूछने लगता है, पर वो कुछ नहीं बताती तो मेलेकेथ भी उसे मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर थॉर भी आकर पूरे गुस्से से मेलेकेथ पर हमला करने लगता है। ये देखकर तो मेलेकेथ भी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एस्गार्ड में फ्लीगा को भी सभी मिलकर अंतिम विदाई देते हैं। आगे पृथ्वी पर डॉक्टर एरिक भी बताते हैं 5000 सालों में एक बार सभी दुनियाएं एक लाइन में आती है, और जब ऐसा होता है तो उस वक्त रोशनी, ग्रेविटी और तो और चीजें भी एक दूसरे की दुनिया में उलझ जाती हैं, और अगर इस बार ऐसा हुआ तो बहुत ही बुरा हो सकता था। इसलिए डॉक्टर सेल्विक ने जो रॉड बनाया था वो उस संगम को एक जगह पर अस्थिर कर सकते थे, जिसका मतलब था इस बार 9 की 9 दुनियाएं सिर्फ उन्हें छू कर निकल जाएगी और पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होता। बाद में देखते हैं डॉक्टर सेल्विक किसी पागल खाने में ये बात सभी को बता रहे थे। दूसरी तरफ एस्गार्ड में भी ओडिन जेन को बंदी बनाने का आदेश दे देते हैं, क्योंकि उन्हें डर था मेलेकेथ अपने लोगों के साथ फिर से वहाँ आएगा। ये बात जब थॉर को पता चलती है तो वो अपने पिता से मिलने आता है और बताता है कि वो जेन को अंधकार की दुनिया में ले जाएगा ताकि मेलेकेथ ईथर को खुद ही जेन के अंदर से निकाल ले, और जिस वक्त मेलेकेथ ऐसा कर रहा होगा थॉर उसी वक्त ईथर को तबाह कर देगा, क्योंकि थॉर को भी डर था अगर इस बार जंग लड़ी गई तो पूरा एस्गार्ड बर्बाद हो जाएगा। पर ऐसा करने से ओडिन मना कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना था इस जंग में जितने भी जाने जाएगी उन्हें परवाह नहीं थी, वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे, पर मेलेकेथ को वो इधर कभी हाथ नहीं लगने देंगे। आगे अब हेमडेल थॉर से मिलने आता है और बताता है बाइफ्रोस्ट को भी ओडिन की आज्ञा से बंद कर दिया गया है, इसलिए अब ना ही कोई आ सकता था और ना ही कोई एस्गार्ड से जा सकता था। पर थॉर को विश्वास था वे लोग कुछ भी कर ले मेलेकेथ वहाँ जरूर वापस आएगा, इसलिए अब थॉर हेमडेल की मदद चाहता था, जिसके लिए अब थॉर अपने दोस्तों से भी मिलता है और उन्हें भी साथ देने के लिए बोलता है ताकि वो जेन को अंधकार में ले जा सके। पर प्रॉब्लम ये थी कि एस्गार्ड का गेट बंद हो चुका था, इसलिए अब उन्हें दूसरे रास्तों से बाहर निकलना था, पर उस दूसरे दरवाजे के बारे में किसी को भी नहीं पता थी सिवाय लोकी के, इसलिए अब थॉर जाकर लोकी से मिलता है और उसे भी साथ देने बोलता है ताकि दोनों मिलकर अपने माता के कातिलों से बदला ले सके, क्योंकि थॉर जानता था लोकी भी अपनी माँ की बदला लेने के लिए उतना ही उतावला था जितना कि वो खुद। पर थॉर ये भी जानता था लोकी धोखा भी जरूर देगा, इसलिए थॉर लोकी को उसी वक्त मार देने के लिए भी धमकी देता है। इसके बाद दोनों वहाँ से भी सभी से छुप कर निकलने लगते हैं। बाद में सिर्फ जाकर जेन को भी गार्ड्स से लड़कर थॉर के पास ले आती है, इसलिए अब तीनों ही वहाँ से निकलने लगते हैं।
पर तभी वहाँ पर ओडिन की गार्ड्स भी आ जाते हैं, क्योंकि हेमडल अपने महाराज को भी बता दिया था कि उसने गद्दारी की है। इधर जाने से पहले सिर्फ भी लोकी को वार्न करती है कि अगर उसने थॉर को धोखा दिया तो वो उसे मार देगी। इसके बाद अब तीनों ही मेलेकिथ के सिप के पास जाते हैं, जिसे मेलेकिथ ने वहीं पर छोड़ दिया था। साथ ही वहाँ पर थॉर का एक फ्रेंड भी आता है जो एसगार्ड के गार्ड्स को रोकने में लगा था, इसलिए अब थॉर भी वहाँ से शिप को स्टार्ट कर भागने लगता है। लेकिन तब भी वहाँ के गार्ड्स थॉर का पीछा करने लगते हैं, इसलिए थॉर भी कुछ दूर भागने के बाद एक जगह पर वो लोकी को धक्का देकर खुद भी कूद जाता है और गार्ड्स जहाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इधर तीनों एक छोटे से जहाज पर आ जाते हैं जहाँ ऑलरेडी थॉर का एक फ्रेंड तीनों का इंतजार कर रहा था, इसलिए अब थॉर वादे के मुताबिक लोकी को खुफिया रास्ते तक भी ले जाने बोलता है। लेकिन जब वो जा रहे थे तो फिर से वहाँ के गार्ड्स थॉर का पीछा करने लगते हैं, इसलिए थॉर का फ्रेंड भी जाकर उन लोगों को रोक देता है, जिसके बाद तो अब लोकी भी अपने जहाज को पहाड़ की गुफा में लेकर जाना जाता है और वहीं से दोनों अंधकार में भी पहुंच जाते हैं। इधर पृथ्वी पर जब डार्सी हैरी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तभी वो टीवी में देखती है हैरी को अरेस्ट कर लिया गया है, इसलिए अब वो उन्हें छुड़ाने के लिए हॉस्पिटल भी चली जाती है। इसके बाद अब डार्सी एरिक को छुड़ाकर जैसे ही बाहर आती है एरिक की मशीन आवाज करने लगती है, जिससे एरिक भी समझ जाते हैं नौ दुनियाओं की एक रेखा में आने की शुरुआत हो चुकी है। तभी देखते हैं जो पंछी हवा में उड़ रहे थे वो अचानक से गायब हो जाते हैं और फिर दूसरी तरफ जमीन से बाहर आते हैं, इसलिए अब एरिक भी जल्दी से अपने लैब में जाने लगते है। दूसरी तरफ जिनके अंधकार में आते ही मेलेकिथ भी इथर को महसूस कर लेता है कि इथर उसी की तरफ आ रही है, इसलिए अब मेलेकिथ खुद ही वहाँ पर चला जाता है जहाँ वो दोनों को ही सामने देखता है। इधर थॉर और लोकी भी जब वहाँ पहुँचते हैं तो थॉर लोकी को आजाद कर देता है, क्योंकि उसने आते वक्त लोकी के हाथ बांध दिए थे ताकि लोकी उसे धोखा न दे। लेकिन लोकी आजाद होते ही वो चाकू निकाल कर थॉर को मार देता है और धक्का देते हुए मेलेकिथ के पास वे लेकर चला जाता है। बाद में लोकी थॉर का हाथ भी काट देता है। जब ये मेलेकिथ का आदमी देखता है तो वो भी मेलेकिथ को विश्वास दिलाता है कि उसने लोकी को भी कैद खाने में देखा था। ये सुनकर अब मेलेकिथ भी अपने आदमी पर विश्वास कर लेता है और जेन के पास जाकर उसके अंदर से इथर को निकालने लगता है। लेकिन इथर जैसे ही बाहर आते हैं थॉर लोकी को इशारा करता है, जिसके बाद तो लोकी भी उसके हाथों को वापस ला देता है, इसलिए अब थॉर ने जल्दी से इथर को तबाह कर देता है, क्योंकि लोकी ने अपनी जादू से थॉर के हाथ गायब किए हुए थे। पर जैसा वे लोग सोचे थे वैसा नहीं होता और वापस से सारा इथर जुड़कर मेलेकिथ में समा जाता है, इसलिए अब मेलेकिथ भी इथर को पाकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर अब थॉर भी मेलेकिथ को रोकने लगता है पर नहीं रोक पाता, क्योंकि उसका एक आदमी थॉर से लड़ना शुरू कर देता है और इसी दरमियान मेलेकिथ वहाँ से भी चला जाता है। इधर लोकी और थॉर मिलकर मेलेकिथ के लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं। उस दिन लड़ने के बाद जब लोकी देखता है थॉर कमजोर पड़ रहा है तो वो पीछे से आकर उस शैतान को मार देता है, पर वो शैतान उसी तलवार से लोकी को भी मार देता है और तबाह हो जाता है, क्योंकि गिरते वक्त लोकी ने उसके बॉम्ब को भी एक्टिवेट कर दिया था। कुछ देर बाद वहाँ पर लोकी भी मारा जाता है, जिसके बाद अब थॉर और जेन लोकी को वहीं छोड़कर आगे भी बढ़ जाते हैं। बाद में दोनों उसी गुफा में आते हैं जहाँ से दोनों आए थे। तभी जेन बताती है मेलेकिथ अब सब कुछ बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसने मेलेकिथ को पृथ्वी पर देखा था जब उसके अंदर इथर था। वही मेलेकिथ पृथ्वी पर इसलिए गया था क्योंकि नौ दुनियाओं का संगम वहीं पर होने वाला था, पर जिनको समझ नहीं आता वे लोग पृथ्वी पर कैसे वापस जाएंगे क्योंकि वे लोग तो वहाँ फंस चुके थे। तभी अचानक से जेन का फोन बजने लगता है। जब जेन फोन रिसीव करती है तो सामने फोन पर रिचर्ड था, लेकिन जेन को समझ नहीं आ रहा था वहाँ पर फोन का सिग्नल कैसे काम कर रहा था, इसलिए अब जेन रिचर्ड से बात करते हुए सिग्नल आने वाली जगह को ढूंढने लगती है। तभी उसे वहीं पर वो केन भी दिख जाती है और साथ ही कार की कीज भी। ये दोनों वही चीजें थी जिसे स्टार्टिंग में फेंकने पर वापस नहीं आई थी। ये जानकर अब जेन भी आगे बढ़ना शुरू कर देती है। तभी वो दोनों ही वहाँ से गायब होकर पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसलिए अब जल्दी से जेन उसी चाबी से कार को स्टार्ट कर घर वापस आती है, जहाँ एरिक और डार्सी जेन को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद जेन एरिक को उनके सारे रिसर्च पेपर भी देने के लिए बोलती है जिसे उन्होंने तैयार किए थे। इसके बाद एक मैप की सहायता से वे लोग उस जगह का भी पता लगा लेते हैं जहाँ पर नौ दुनियाओं का संगम होने वाला था, क्योंकि हजारों साल पहले भी ये संगम हुए थे और पहले के लोग भी इसे होते हुए देखे थे, चाहे वो मायांस हो, चीनी हो या इजिप्शियन के लोग।
और उन्होंने ही बड़े बड़े पुराने इमारतों की बदौलत नक्शा भी बनाया था, जैसे कि स्टोनहेंज, स्नोडाउन, ग्रिट ओर्न, और वो सभी इमारतें इशारा कर रही थी ग्रीनिच की तरफ। इसलिए अब सभी वहाँ भी जाने लगते हैं, क्योंकि वो संगम कुछ देर के लिए वहाँ पर होने वाला था, मगर उतनी ही देर में नौ दुनियाओं में उथल पुथल हो जा सकती थी। इसलिए अब सभी मिलकर एरिक के रॉड को ग्रीनिच के चारों तरफ लगाने लगते हैं, ताकि वो संगम को स्थिर रख सके। लेकिन तभी मैलेकिथ भी अपना बड़ा सा जहाज लेकर वहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की चीजें भी बर्बाद होने लगती है। इसके बाद मैलेकिथ भी बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉर भी आकर मैलेकिथ से फाइट करना शुरू कर देता है, ताकि तब तक जेन को रॉड को लगाने का मौका मिल सके। वहीं दूसरी तरफ थॉर और मैलेकिथ भी लड़ते हुए कई बार एक दुनिया से दूसरी दुनिया में और दूसरी दुनियाओं से तीसरी दुनिया में पहुंचने लगते हैं। इधर एरिक का रॉड भी एक्टिवेट होते ही दूसरी दुनियाओं से आने वाली मुसीबतों को धकेल दिया करता था। आगे देखते हैं, फाइट के दरमियान थॉर कहीं और घूम रहा था तो उसका हथौड़ा कहीं और घूम रहा था, और इसी वजह से मैलेकिथ थॉर से लड़ते वक्त अलग भी हो गया था। इसलिए अब मैलेकिथ पूरी दुनिया को अंधकार में बदलना भी शुरू कर देता है, लेकिन तभी थॉर भी कुछ देर बाद वहाँ पर आ जाता है। इसलिए अब जेन मैलेकिथ के पास जाकर मशीन को एक्टिवेट करने बोलती है, तो थॉर भी उन मशीनों को ले जाकर एक एक मशीन के बदौलत मैलेकिथ के दोनों हाथ काटकर दोनों को अलग अलग दुनियाओं में भेज देता है। इसके बाद थॉर मैलेकिथ पर भी हमला कर मशीन की मदद से उसे दूसरी दुनिया में भेज देता है, जिसके बाद फाइनली जाकर सब कुछ शांत भी हो जाता है। लेकिन इन सब चीजों में थॉर वहीं पर बेहोश भी हो जाता है, और तभी मैलेकिथ का सिप भी टूटकर थॉर के पास ही गिरने लगता है। ये देखकर जेन थॉर को वहाँ से हटाने लगती है, पर थॉर उससे हेल भी नहीं रहा था। इसलिए अब एरिक पूरे स्पेसशिप को ही दूसरी दुनिया में भेज देते हैं, क्योंकि एरिक का एक यंत्र उसी शिप के नीचे भी दबा हुआ था। इधर जब शिप दूसरी दुनिया में गिरती है तो सीधा जाकर मैलेकिथ पर ही गिर जाती है, जिससे वो मारा जाता है। इसके बाद जब थॉर जागता है तो वहाँ सब कुछ शांत हो चुका था। आगे अब थॉर फिर से एस्गार्ड आता है और पिता से बगावत करने पर माफी मांगने लगता है, पर ओडिन थॉर से नाराज नहीं होते, उल्टा वो खुश थे कि थॉर अपनी जान पर खेलकर नौ रियासतों को बचाया था। इसलिए ओडिन उसे महाराज बनने के लिए बोलते हैं, पर थॉर एस्गार्ड का राजा बनने से इनकार कर देता है, क्योंकि एस्गार्ड की हिफाजत वो एक राजा बनकर नहीं एक सिपाही बनकर करना चाहता था। इसलिए अब ओडिन भी थॉर को नहीं रोकते और उसे जाने देते हैं। तभी देखते हैं थॉर के वहाँ से जाने के बाद लोकी भी अपने असली फेस में आता है, क्योंकि जब एस्गार्ड के सिपाही अंधकार में थॉर को ढूंढने गए थे तो लोकी उसी वक्त ही उस सिपाही का भेष बदलकर ओडिन के पास आ गया था और उन्हें बताया था कि लोकी मर चुका है। और फिर इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। आगे क्रेडिट सीन में देखते हैं, एस्गार्ड के कुछ लोग इथर को लेकर टेननियर टीवान के पास आते हैं और उस इथर को संभाल कर रखने बोलते हैं, क्योंकि वे लोग इथर को अपने पास नहीं रख सकते थे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक शक्तिशाली वस्तु रखी हुई थी, वो भी टेसरेक, और दो शक्तिशाली वस्तुएं एक साथ रखना उचित नहीं था। इधर टेनेलिया टीवान बहुत ही बड़ा कलेक्टर था, जो बहुत ही नायाब चीजों को कलेक्ट कर रखा करता था। इसके बाद एस्गार्ड के लोग वहाँ से भी चले जाते हैं। आगे लास्ट सीन में देखते हैं, थॉर भी वापस जेन के पास आ जाता है और फिर इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।